हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के जो दो टाइप्स है इसका इंट्रोडक्शन भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आप मुझे बताइए इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है जो रोग प्रतिकारक शक्ति। इम्यूनिटी इज द होस्ट एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है, आप देखिए, दिस इज द बॉडी सिस्टम, कंसिडर दैट दिस इज द बॉडी सिस्टम। अब बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। बॉडी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्स प्लस प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं और सेल्स होती है, इसी से पूरी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। यहाँ पर जो सेल्स है वो इम्यून सेल्स होती है। इम्यून सेल्स मतलब जो नेचुरल किलर सेल्स है, जो भी डेंड्राइटिक सेल्स है, माइक्रोफेजेस है, ये जो सेल्स है वो इम्यून सेल्स होती है। अब किसी को अगर इंजुरी हो जाए, अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाए, चोट लगने के बाद में हमारी बॉडी को जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, इन द सेंस जो भी इम्यून सेल्स होती है उसके अगेंस्ट काम करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को चोट लगी और उसने मेडिसिन खाया तो मेडिसिन के इफेक्ट से उसकी हीलिंग हो गई, जो वाउंड आ गया उसको उसकी हीलिंग हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि कोई भी डिसीज हो, कोई भी बात हो, तो जो इम्यून सिस्टम है वही उसके अगेंस्ट काम करती है। आप एक बात ध्यान रखिए कि कंसिडर दैट दिस इज द बॉर्डर। कोई भी कंट्री का एक बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर कौन होता है, सोल्जर्स होते हैं हमारे। उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना। तो आप ध्यान रख सकते कि जो कंट्री है हमारी वो एक होस्ट की तरह काम करती है और ये जो सोल्जर्स है वो इम्यून सेल्स की तरह काम करते। मतलब ये क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। कोई भी इनिमी अगर बॉडी के अंदर आने की कोशिश करे या फिर किसी कंट्री के अंदर आने की कोशिश करे तो इसे ये जो सोल्जर्स है वो किल कर देंगे। अब ये इनिमी अगर वो इसके अंदर आने की कोशिश करे तो सोल्जर्स इसे किल कर देंगे। यही मैकेनिज्म है जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी के अंदर भी कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पैथोजेंस आ गए तो उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर जो सेल्स मैंने आपको बताई, जो माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल, तो ये उसे किल कर देगी और बॉडी के अंदर उसी एंट्री रेजिस्ट कर देगी। तो एक बात तो आप समझिए, इम्यूनिटी जो होती है वो कभी भी किसी फूड से बढ़ सकती है, लेकिन मेडिसिन से कभी भी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती। फूड्स और कुछ नेचुरल सोर्सेस से इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आप एक एग्जांपल के लिए लीजिए कि पिछले साल कोरोना की जो वेव आई थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन से उसको रिकमेंड किया था डॉक्टर ने, तो उसका काम क्या था, कोरोना के अगेंस्ट तो वो ट्रीटमेंट नहीं थी, उसका काम यही था कि जो भी बॉडी के अंदर जो वायरल इंफेक्शन हो गया किसी के तो वो वायरल इंफेक्शन उसे रेजिस्ट करे। वैसे ही कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसका काम ही ये होता है कि किसी का भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगस इंफेक्शन उसके बॉडी के अंदर है उसे किल करे, उसे रिमूव करे। और जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो तो इम्यून सेल से करते हैं। हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर में रचना ही ऐसी की है कि ऑटोमेटिकली वो रिकवर कर देते, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन का काम बस इतना ही होता है जो भी इंफेक्शन हुआ है उस इंफेक्शन को रिमूव करना, और रिमूव इंफेक्शन हो जाने के बाद में इम्यून सिस्टम ही काम करती है। और ये इम्यून सिस्टम जो होती है वो एज बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। और एक बात तो ध्यान रखिए, मेडिसिन कई नहीं बने है। अगर किसी को चोट आ जाए तो चोट आने के बाद में अगर कोई मेडिसिन लेता है तो उसका इफेक्ट नहीं होता। मेडिसिन का इफेक्ट सिर्फ उसको हील करने में तो नहीं होता, जो इन्फेक्शन है उसे ही रिमूव करता है। और जो इम्यून सेल से वही किसी की जो जख्म हो गई है, किसी की वाउंड आ जाए तो उसके अगेंस्ट काम करती है। अब जो इम्यूनिटी, इसके दो टाइप्स होते हैं। आप एक बात देखिए, एक पहला इसका टाइप जो होता है वो एक इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, इननेट इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। और ये जो इम्यूनिटी वो नॉन स्पेसिफिक है, दिस इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट एनी पैथोजन। किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट ये जो इननेट इम्यूनिटी है ये नॉन पैथोजेनिक है, ये बात आप समझिए। और दूसरा जो टाइप है इसका वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, और इसे हम एडेप्टिव भी कहते हैं, acquired और adaptive immunity। अब ये जो acquired और adaptive immunity है, ये immunity specific होती है। This immunity is specific
अगेंस्ट इम्यूनिटी किसी भी वायरस और पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, और एक पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर पैथोजन। अब ये जो इम्यूनिटी है आप देखिए ये बिफोर बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, बिफोर बर्थ अब अपने मां से बच्चों के अंदर आ जाती है, और ये इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एडेप्टिव क्यों कहते हैं इसे, तो ये एडेप्टेशन करती है हमारी बॉडी, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ बॉडी के अंदर की जो सेल्स होती है, इम्यून सेल्स होती है, वो एडेप्ट करती है, इसलिए हम इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ये स्पेसिफिक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।